बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक केयर से। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी उमरा का परमिट लेना चाहते हैं, आपको उमरा का परमिट नहीं मिल रहा, आप तवक्कलना से कोशिश कर रहे हैं उमरा का परमिट लेने का, तो आप जो है उमरा का परमिट जो है वो कैसे लेंगे। इससे पहले जो है उमरा का परमिट तवक्कलना और अतमरना एप्लीकेशन से लिया जाता था। अब अतमरना को अपग्रेड करके जो है नुसुक एप्लीकेशन को अपडेट बना दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है तवक्कलना। अब अगर आप तवक्कलना के अलावा दूसरी एप्लीकेशन नुसुक से उमरा का परमिट लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे लेंगे, पूरा तरीकाकार आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप छोटी सी बात पता चले कि पहले जो अतमरना एप्लीकेशन जिन लोगों के पास थी, जिन्होंने अतमरना पे लॉगिन किया हुआ था अपने इकामा और पासवर्ड बनाकर, वही यूज़र नेम यानी इकामा और पासवर्ड लगाकर आप नुसुक की एप्लीकेशन को जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अतमरना एप्लीकेशन में जो पासवर्ड बनाया था भूल गए हैं और या फिर मोबाइल नंबर आपका बंद हो गया है तो और आपके पास तवक्कलना भी नहीं है, तो आपने जो अतमरना पे यूज़र ने पासवर्ड बनाया था या नंबर लगाया था वो ख़त्म हो चुका था, पासवर्ड गुम भूल गए थे, तो नुसुक की एप्लीकेशन पे जो है वो आपने उसको कैसे अपडेट करना है, अपने मोबाइल नंबर को और पासवर्ड को कैसे चेंज करना है, उस पर मैंने ऑलरेडी जो है वो 3-4 दिन पहले वीडियो बनाई है। अगर मेरे चैनल पर विज़िट करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आपने सब कुछ कर लिया, अपना एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया नुसुक से, लॉगिन करने के बाद अब आपने उमरा के लिए परमिट कैसे लेना है। तो एप्लीकेशन जैसे ही ओपन हो जाएगी आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा उमरा का। तो आपने जिस पे मैं दायरा लगा रहा हूँ वो आपने चीज़ें फॉलो करनी है, तो उमरा वाले ऑप्शन पे मैं आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने आपका नाम आ जाएगा, तो आपने यहाँ पे अपने नाम के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही नाम के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो आपने इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो डेट आ जाएगी, जो भी डेट को आप उमरा का परमिट लेना चाहते हैं उस डेट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। डेट सेलेक्ट करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो अगर आपको सब्ज़ वाले बॉक्स मिल रहा है तो वो उसमें ले लें, क्योंकि उसमें कम रश मिलेगा। अगर रेड वाला है तो उसमें ज़्यादा रश होगा, अगर वो ऑरेंज कलर है तो उसमें नॉर्मल रश होगा। उसके बाद नीचे आई ऑब्लेश पे क्लिक करके आपने नीचे इशू परमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नीचे इशू परमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो परमिट है वो बुक हो जाएगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरा परमिट जो है वो बुक हो चुका है, मैंने ऑलरेडी परमिट लिया हुआ था, मैंने इसको कैंसिल करके दोबारा से परमिट लिया है आपको वीडियो में बताने के लिए कि आपने जो है वो परमिट कैसे लेना है। अगर आपने परमिट लिया हुआ है और परमिट जो है कैंसिल नहीं किया तो आपका परमिट जो है वो इशू नहीं होगा। तो इस तरह आप भी परमिट जो है वो इशू कर सकते हैं।